छात्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुरु भक्त कालीबाई इस पाठ का बचा हुआ भाग। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में रास्तापन नाम के गांव में एक पाठशाला चलाई जाती थी। लोगों द्वारा पाठशाला चलाई जाती थी। उसमें नाना भाई और सेंगा भाई यह उस पाठशाला को चलाते थे। नाना भाई यह संरक्षक थे और सेंगा भाई उस पाठशाला के शिक्षक थे। इसमें कालीबाई 13 वर्ष की विद्यार्थिनी उस पाठशाला में सीखती थी। और देखिए, यह जो शिक्षक है वो लोगों उस बच्चों में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। स्वतंत्रता की भावना उन लोगों में, उन बच्चों में जगाना चाहते थे, इसलिए यह पाठशाला चलाई जा रही थी। देखिए, हमने देखा कि उसके बाद जो जागीरदार है, उस गांव का जागीरदार है, वो किस तरह से इस पाठशाला को विरोध करता है। इसके लिए वो लोगों को बोलता है कि आप उस पाठशाला को बंद करो। इसलिए वो रियासत के सामंत को भी नमक मिर्च लगाकर बात सुनाता है, उनको चढ़ा बढ़ा कर बात बताता है। और उसके बाद पुलिस उस गांव में आते हैं, पुलिस आते हैं, जिला न्यायाधीश आते हैं और स्कूल को बंद करवाना चाहते थे। तभी सेंगा भाई बोलते हैं कि आप इस पाठशाला को क्यों बंद करवाना चाहते हो, यह शिक्षा देने का काम तो राज्य का है, आप इसे बंद नहीं करवा सकते, यह तो न्याय की बात नहीं है। इससे जिला न्यायाधीश आग बबूला होकर सिपाहियों को यह हुक्म देते हैं कि इनको ट्रक से बांधकर घसीटो। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटो। यहाँ तक तो हम आए थे, अब आगे देखिए क्या होता है। जिला न्यायाधीश यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटने के लिए अपने सिपाहियों को बोल रहा है जिला न्यायाधीश। और आगे देखिए क्या हुआ। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से भी कही। देखिए, नाना भाई से भी पुलिस उधर क्या कर रहे थे वो देखिए। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजा मंडल चला रहा है, आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं, इससे तो बालकों का भला होगा। पुलिस भी यही बात कह रहा था कि आप यह पाठशाला बंद करो और चाबी हमें दो, ऐसे पुलिस नाना भाई से बोल रहे थे। पर नाना भाई भी बोल रहे थे कि साहब, यह पाठशाला तो प्रजा मंडल चला रहा है, आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं, इससे तो बालकों का भला होगा। अगर यह पाठशाला चलेगी तो हमारे बालकों का ही भला होगा, इससे हमारे देश का कल्याण होगा, इसलिए यह पाठशाला हम नहीं बंद करवा सकते। पुलिस अधिकारी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और क्रोध में भरकर सिपाहियों को उन्हें मारने का संकेत दिया। देखिए, यह जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस है, वो जरा भी दया नहीं दिखा रहे हैं, वो बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनको यह पाठशाला बंद करवानी ही है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिपाहियों को नाना भाई को मारने का संकेत दिया, इशारा किया नाना भाई को मारो। सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। देखिए, इस पर सिपाही जो है वो नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की। देखिए, वो इतने निर्मम है, दयाहीन है कि उन्होंने थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की। उन्होंने सिपाहियों ने उस नाना भाई को बहुत मारा, वे पूरी तरह घायल हो गए। ये नाना भाई पूरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांध कर घसीटा जाने लगा। देखिए, जिला न्यायाधीश ने यह हुक्म दिया था सिपाहियों को कि नाना सेंगा भाई को ट्रक से बांध कर घसीटो, तो सिपाहियों ने उन्हें ट्रक से बांध कर घसीटना शुरू किया। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांध कर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, जो नाना भाई है इनको यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। देखिए, नाना भाई को सिपाही मार रहे हैं, पुलिस सिपाही मार रहे हैं, बंदूक के कुंदों से, लातों से, घुसों से, थप्पड़ों से मार रहे हैं। और देखिए, ऐसे घायल नाना भाई इनको भी बचाना चाहते थे, सिंगा भाई को बचाना चाहते थे, जो
ट्रक से घसीटे जा रहे थे। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सिंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल होते हुए भी वे दौड़ने लगे उनकी तरफ, सिंगा भाई की तरफ दौड़ने लगे। घायल है, पूरी तरह खून से लथपथ है और उनकी तरफ, सिंगा भाई की तरफ वो दौड़ने लगे उनको बचाने के लिए। पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा, नाना भाई धड़ाम से गिरे और फिर कभी नहीं उठे। देखिए उनका वहां पर देहांत हो गया, शहीद हो गए वो वहां पर। नाना भाई धड़ाम से जमीन पर गिर गए और कभी नहीं उठे। वो बंदूक का कुंदा इतना जोर से मारा गया उनके सिर पर कि वो वही उनका देहांत हो गया, वो मर गए। सिंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे सिंगा भाई को बचाने के लिए आगे आए। देखिए वहां पर लोगों की भीड़ थी पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिंगा भाई को उस ट्रक से घसीटा जा रहा है उनको छुड़ाए। नहीं, कोई भी आगे नहीं आया, वो सब डर रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। काली बाई उस समय खेत से आ रही थी, उसके सिर पर घास का गट्ठर और हाथ में हंसिया था। हंसिया का मतलब देखिए घास काटने का यंत्र, हंसिया यानी घास काटने का यंत्र। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। देखिए एक आदर्श काली भाई के सामने अपना आदर्श, वो अपने शिक्षक को मानती थी, सिंगा भाई को मानती थी, बहुत ही आदरणीय थे उनके काली भाई के लिए अपने शिक्षक, और इनको अपने सामने ट्रक से घसीटा जा रहा है, इतना बुरा व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, इसीलिए उनकी भौहें तन गई, काली भाई की भौहें तन गई और वो क्रोधित हो गई। घास का गट्ठर जमीन पर फेंक दिया और ललकारते हुए बोली, ठहरो। वो अंग्रेजों को बोली, सिपाहियों को बोली, ठहरो, गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहां ले जा रहे हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की ओर लपकी। काली बाई ने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया से एक ही झटके में काट दिया। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि काली बाई के हाथ में हंसिया है और सिंगा भाई को ट्रक से घसीटा जा रहा है। देखिए काली बाई ने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया से एक ही झटके में काट दिया। उसके हाथ में जो हंसिया है उससे उसने उस रस्सी को काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। जो ट्रक पर सिपाही थे बंदूक लेकर, उन्होंने क्या किया, काली बाई के ऊपर गोलियां बरसा दी, गोलियों से उनको भून दिया। उसे बचाने आई औरतों पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसा दी। निर्मम का अर्थ क्या है वो देखिए, दयाहीन जिसमें ममता न हो, दयाहीन जिसमें ममता न हो यानी निर्मम। पुलिस दयाहीन थी, जरा भी दया उनमें नहीं थी, और ऐसे पुलिस सिपाहियों ने क्या किया, काली भाई के ऊपर गोलियां बरसा दी। और काली भाई को बचाने आए जो औरतें थी उनके ऊपर भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसे बचाने आए औरतों पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसा दी। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था, शव का मतलब है मृत शरीर। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ खून से लथपथ काली बाई। देखिए लथपथ का अर्थ है सना हुआ। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ खून से लथपथ काली बाई। नाना भाई को पहले ही बंदूक के कुंदों से मार दिया गया था और यहाँ पर खून से लथपथ काली बाई। एक तरफ काली बाई पड़ी थी और एक तरफ नाना भाई पड़े थे। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। मारू ढोल का मतलब क्या है, बड़ा नगाड़ा, और मातमी स्वर यानी शोक या दुख भरी आवाज। सभी को दुख हुआ इस बात का कि नाना भाई को अंग्रेजों ने मारा और काली भाई को भी अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया। यह देखकर सभी आक्रोश करने लगे, रोने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। सभी क्रोधित हो उठे। देखते ही हजारों भील रास्ता पार में जमा हो गए। वहां पर यह सब देखते हुए सभी हजारों भील आदिवासी जमा थे
बाला ने दम तोड़ दिया। देखिए यहाँ पर जो खून से लथपथ कालीबाई है उसे डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 40 घंटे वह बेहोश रही और उसके बाद 40 घंटे वो अस्पताल में बेहोश रही और उसके बाद उसका देहांत हो गया। वीर बाला का मतलब क्या है देखिए, वीर बाला यानी बहादुर लड़की, दम तोड़ देना यानी मर जाना। वो उसका देहांत हो गया, वो शहीद हो गई। कालीबाई तो शहीद हो गई किंतु उसने अपने गुरु जी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई लेकिन हजारों दिनों में आजादी की अलग जगा गई। देखिए यहाँ पर कालीबाई ने अपनी जान दी अपने शिक्षक को बचाने के लिए, इस गांव को गुलामगिरी से बचाने के लिए, अत्याचार से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए उसने क्या किया, अपनी जान दी। अपने सिंगा भाई शिक्षकों शिक्षक को बचाने के लिए उसने जान दी और वो शहीद हो गई किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति, छोटी सी ज्योति, असमय यानी असमय का मतलब देखिए समय से पहले, असमय यानी समय से पहले। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई लेकिन हजारों दिनों में आजादी की अलग जगा गई। अलग यानी अदृश्य प्रेरणा, अदृश्य प्रेरणा। देखिए लोग इससे पहले डरते थे, अंग्रेजों के और सामंतों के खिलाफ लड़ने से डरते थे, पर जब इतनी छोटी लड़की अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है, सामंतों के खिलाफ लड़ रही है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। और उनको खून से लथपथ देखकर लोगों में आज़ादी की अलग जग गई। लोगों को भी लगा कि हमें भी देशभक्ति के लिए हमें भी अपने अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। इसीलिए सभी के मन में एक ऐसी साहस पैदा कर गई कि इसके कारण वह अत्याचार से मुक्त हो गए। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई लेकिन हजारों दिनों में आज़ादी की अलग